आज हमारे साथ डॉक्टर भागीरथ प्रसाद भिंड से बड़ा पार्लियामेंट है। अब उनसे 3 साल की प्रोग्रेस के बारे में पूछा जाएगा। 3 साल अपनी सरकार आपने जो आपके क्षेत्र में उम्मीदवारी की है आगे बोलिए। मैं भिंड द्वितीय क्षेत्र से लोकसभा का सदस्य हूँ। जैसा पूरे देश और दुनिया को मालूम है कि ये भीड़ का क्षेत्र है और डकैती के लिए बड़ा प्रसिद्ध क्षेत्र है, और इन कारणों से ये 70 साल के आज़ादी के बाद भी उपेक्षित क्षेत्र रहा। पहली बार बड़े विकास के कार्य शुरू किए गए हैं। सबसे पहले जो 7 लाख हेक्टर में ये भीड़ का क्षेत्र फैला हुआ है, डकैती के कारण भी विकास नहीं हुआ और डकैती पूरी तरह खत्म हो गई है। और इसमें भी मेरा थोड़ा योगदान है, तो मैं प्रिंसिपल सेक्रेटरी हूँ था मध्य प्रदेश में जी, तो डकैती विरुद्ध अभियान चला और माननीय शिवराज सिंह के नेतृत्व में उसमें शानदार कामयाबी मिली। अब कोई डकैत नहीं, तो भीड़ विकास के लिए मैंने विश्व के सारे विशेषज्ञों को सम्मेलन किया कृषि विश्वविद्यालय ग्वालियर, और उन्होंने पाया कि दुनिया की सबसे उपजाऊ जमीनों में से है भिंड की जमीन, तो इसको इसमें औषधि पौधे हो सकते हैं, फूलों फलों ज्ञान है, अनार है, पपीता है, मौसमी है, नींबू है, लार्ज स्केल पर इसका प्रोडक्शन यहाँ हो सकता है। तो इस संभावना पर विचार किया और किसानों ने अभी फूलों की खेती कई जगह शुरू कर दी है और प्रगतिशील किसानों से संपर्क करके नए ढंग से फूल उद्यान विकास का ये अभियान चल रहा है। दूसरा, भिंड जो है भूगोल की जेल में रहा जा रहा है, तो यहाँ एक रेल लाइन का प्रोजेक्ट भी लिया गया था बहुत पहले, 33 साल पहले लिया गया था, पर वो भिंड से इटावा 16-17 साल से वो कोई काम आगे नहीं था। मैंने सांसद बनते ही पर्यावरण की अनुमति ली, पर्यावरण की अनुमति भी नहीं थी, कुछ काम पुलों का डिफेक्टिव था उसको सही किया और 27 फरवरी 2016 को भिंड इटावा रेल लाइन चालू हो गई। आज इटावा झांसी रेल लाइन चालू हो चुकी है और भी कई गाड़ियां यहाँ पर शुरू होने वाली हैं। दूसरी ओर मैंने प्रयास किया कि बुंदेलखंड की तरफ भिंड से रेल लाइन हो, तो भिंड से कोच रेल लाइन 1600 करोड़ रुपए की मंजूर हो चुकी है, बजट में आ चुकी है, और उसके आगे भी वही से महोबा है, अर्थात बहुत जल्दी से भिंड से महोबा जुड़ेगा और एक जंक्शन बन जाएगा, तो इससे पूरे क्षेत्र का विकास होगा। दूसरा, चंबल नदी हमारे यहाँ एक बाधा रही है विकास में, भिंड और आगरा के बीच में चंबल नदी इतनी व्यापक रही है कि मुगलों के पीरियड में भी भिंड में आंदोलन वो अपना कब्जा ठीक ढंग से नहीं जमा पाए, राजधानी आगरा होते हुए भी, क्योंकि ये दुर्गम स्थान था। तो मैंने माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से और माननीय नितिन गडकरी जी से अनुरोध किया कि ये इस पर रेल एक पुल बनाया जाए चंबल नदी पर। तो आपको जान के हर्ष होगा, उन्होंने तुरंत इसकी मंजूरी दे दी और 67 करोड़ रुपए की CRF सेंट्रल रोड फंड के माध्यम से वो पुल का निर्माण तेजी से चल रहा है और 1 साल के अंदर अब पूरा होने वाला है। तो हम भिंड जिला, आगरा, जयपुर, अजमेर, मथुरा, दिल्ली चारों तरफ से बड़ी सुविधाजनक से जुड़ गया। जैसे कि चंबल का बताया आपने, तो चंबल का पानी हर वर्ष ये बहुत ज़्यादा वेस्ट हो जाता है क्योंकि रेनी सीजन होते हैं, और वो चंबल का पानी आप जैसे भिंड के विकास में बाधा बन जाता है, जो पानी अंदर चला जाता है। शहर में तो स्थानीय समस्याएं हैं, चंबल का पानी तो शहर से दूर है, पर चंबल में सही बात है और ये भी बाढ़ आती है, बहुत विशाल बहुत वेस्ट होता है, बहुत विशाल जलराशि निकल जाती है, परंतु बच्चों की बेटे वगैरह बोला आपके उस तरह पानी की समस्या तो है, अगर वो पानी में होता जाए जी नहीं, तो उसके लिए एक्चुअली चंबल नदी बड़ा आश्चर्य सुखद आश्चर्य होगा कि सबसे पवित्र नदियों में है, क्यों कोई इंडस्ट्री नहीं आई, कोई एक्यूमेंट नहीं है आपका, तो इसलिए क्रोकोडाइल पार्क लार्ज स्केल पर क्रोकोडाइल वहाँ पर घड़ियाल चंबल में हुए हैं, अभी डॉल्फिन भी वहाँ ग्रो कर रहे हैं,
डॉल्फिन चंबल नदी में है और वो शुद्ध जल नहीं रहती है, वो शुद्ध जल में नहीं रहती। तो हम सौभाग्यशाली हैं कि लोगों ने उपेक्षा की हमारी, परंतु हम नदी की पवित्रता बनाए रखे हुए हैं और वो हमारे पर्यटकों का आकर्षण केंद्र बनेगी। जटीर का पुल बनते ही कुकुड़ायल पार्क और डॉल्फिन और बिहड़ को देखने के लिए और बिहड़ को बदलते हुए देखने के लिए लोग आएंगे। एक और था नेशनल हाईवे, अभी ग्वालियर से इटावा नेशनल हाईवे, वो सड़क भी बहुत शानदार ढंग बन चुकी है। एक दूसरा नेशनल हाईवे जो राजस्थान से टोंक से सोपुर मुरैना जोड़ते हुए भिंड में अटेर, अटेर से भिंड मिहोना लाहौर दबो भांडेर और चिरगांव झांसी तक मिल जाए। तो ये नेशनल हाईवे 14 जून 2016 को भारत सरकार द्वारा उसकी अधिसूचना जारी की जा चुकी है। अब उसके बाईपास शहरों में भिंड का बाईपास, मिहोना का, लाहौर का, दबो का, भांडेर की बाईपास की प्लानिंग हो रही है। तो बाईपास बनने से शहरों का एकदम विकास होगा और एक हाईवे होने से शॉर्टकट भी होगा झांसी पहुंचने के लिए। तो ये बड़ी भारी क्रांतिकारी परिवर्तन है। दूसरा विषय मैं आपको जानकारी में लाना चाहूँगा कि भिंड के लोग बड़े वीर बहादुर नहीं, तो उन्होंने हमारी बहादुरी का उपयोग अंग्रेजों ने किया। ऐसे अंग्रेजों की खिलाफत करने में भिंड के लोग हमेशा आगे थे, झांसी की रानी का साथ दिया है और झांसी की रानी के साथ जान की बाजी लगा दी। तो वो एक इतिहास का स्वर्णिम पृष्ठ है, परंतु तो अंग्रेजों ने उनकी बहादुरी को देखते हुए हमको सेना में भर्ती किया। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जापान के साथ हम लोग लड़े और जापान को हराया। जहां जहां हमारी फौजें भिंड के लोगों गई है वहां ब्रिटिश साम्राज्य को जीत लिया। और आज भी पूरे मध्य प्रदेश में भिंड जिले के सबसे ज्यादा सैनिक जो हमारे देश की सीमाओं की सुरक्षा करते हैं वो भिंड से आते हैं, पर वो ज्यादातर सिपाही बन गए थे क्यों, क्वालिटी एजुकेशन नहीं मिल पाई। तो ये क्वालिटी एजुकेशन के लिए हमने माननीय मुख्यमंत्री से, माननीय डिफेंस मिनिस्टर से अनुरोध किया कि भिंड में एक सैनिक स्कूल स्थापित किया जाए। तो सैनिक स्कूल की स्वीकृति हो चुकी है। आप भिंड के लोग सिपाही नहीं, कर्नल ब्रिगेडियर और आर्मी चीफ बनने का अगर रास्ता खुल गया तो ये बहुत बड़ा कदम है क्वालिटी एजुकेशन के सिलसिले में। और भिंड के युवाओं की ऊर्जावान जो प्रतिभा उसका एक सदुपयोग होगा, क्वालिटी एजुकेशन के जरिए बड़े बड़े पदों पर पहुंचेंगे और अपने क्षेत्र के विकास में सहायक। इसी प्रकार भिंड नगर पालिका 1896 में स्थापित हुई थी, 120 साल पहले। तो वो बड़ा सुंदर नगर था, गौरी तालाब बड़ा सुंदर था, यहाँ के छोलियाने का जंगल बहुत सुंदर था। अब अचकन वगैरह के दबाव होता है तो गौरी तालाब को सुंदर किया जाए और नगर को फिर से, नगर की सारी सड़कें चारों तरफ जाने के लिए विकसित किया जा रहा है। और शीघ्र ही हम चाहेंगे कि भिंड नगर पालिका एक नगर पालिक निगम में परिवर्तित, एक महानगर के रूप में विकसित हो। उस तरह की सुविधाएं का विकास हमने शुरू कर दिया है और सिद्धांत सहमति है। 3 लाख से ज़्यादा आबादी होने के कारण ये नगर निगम की पात्रता आ चुकी है और मुझे पूरी उम्मीद है शीघ्र ही ये घोषणा होकर के नगर पालिक निगम की सारी व्यवस्थाएं नगर में लागू हो जाए। इसी प्रकार दतिया जिले ग्वालियर से झांसी हाईवे बहुत अच्छी प्लानिंग से शुरू हुआ था, पर 8-10 साल से ये काम बंद, कुछ विवाद हो गए, परंतु माननीय नितिन गडकरी केंद्रीय मंत्री ने उन सब विवादों को सुलझाया और नए ढंग से टेंडर कॉल कर दिए हैं। तो ग्वालियर से झांसी 1 घंटे में सीधा मार्ग खुल जाए। एक दतिया दिनारा का एक पुल है, रेलवे ओवरब्रिज, तो वो 2014 1 नवंबर को हम लोगों ने सुधारने से अब बन के तैयार है और शीघ्र ही रेलवे और पीडब्ल्यूडी मध्य प्रदेश ने बनाया है। उससे अब कोई अवरोध नहीं रहेगा शिवपुरी जाने के लिए, दतिया शिवपुरी जाने। बहुत बड़ा पुल, लगभग 40 करोड़ की लागत से रास्ता बच जाएगा। हाँ, रास्ता भी कम बच जाएगा और स्थानीय लोग बहुत परेशानी स्टेशन में जाने होती थी,
देरी लग जाता था, मैं उसको सुंदर हाँ वो अब पुल बन के तैयार हो चुका है, जल्दी से ही कॉन्क्रीट के आवागमन के लिए खुल जाएगा। और दतिया में सेंट्रल स्कूल लगभग 9 साल पहले तैयार स्वीकृत हो गया था और किराए की भवन में ये स्कूल चल रहा। अभी हमने अचाड़ी मंदिर वाले से बात करके उसमें 20 करोड़ की लागत का स्कूल की बिल्डिंग का निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है और 1 साल के अंदर बिल्डिंग बनके तैयार हो जाएगी, विद्युत स्कूल का संचालन होगा। पावर की प्रॉब्लम भी आपके क्षेत्र में काफ़ी रही है, हाँ इसको ये बात सही किया है कि पावर की दृष्टि से बहुत ही मध्य प्रदेश ने अव्यवस्थाएँ झेली हैं और भिंड में व्यवस्थाएँ सही नहीं रही। अब आपको जान के हर्ष होगा कि योजनाबद्ध तरीके से जो दीनदयाल ग्रामीण विद्युतीकरण योजना भारत सरकार उससे पैसा मिला और राज्य सरकार ने बहुत पैसा लगाया, योजनाबद्ध तरीके से पूरे क्षेत्र में लाइनें बिछाई जा रही हैं, हाई पावर विद्युत स्टेशन कायम किए जा रहे हैं और बिजली की व्यवस्था बहुत शानदार हो रही और बड़े तेजी से काम चल रहा है। तो ये विद्युत की समस्या एक इतिहास का विषय बन गई। कुछ अव्यवस्थाएँ जनता की ओर से, विद्युत मंडल की ओर से भी अव्यवस्थाएँ थी क्योंकि कई तरह से सही ढंग से बिजली न पहुँच जाने से पब्लिक परेशान रहती थी और दुरुपयोग की स्थितियाँ भी थी। अब वो सब व्यवस्थित हो रहा है और सारे नागरिक सहमत हो रहे हैं बिजली का बिल पेमेंट करने के लिए और सुविधाएँ जब व्यवस्थित मिलेंगी तो बहुत अच्छा होगा। अब आप देखेंगे भिंड दतिया में बिजली की स्थिति एक अमूलपूर्ण परिवर्तन हो चुका है और विद्युत की व्यवस्था बहुत सुदृढ़ हो गई है। और मैं ये कहना चाहूँगा विद्युत उत्पादन में गत 13-14 वर्षों में मध्य प्रदेश ने शानदार तरक्की की है। सिंचाई के क्षेत्र में मध्य प्रदेश में 2003 में 7.5 लाख हेक्टर सिंचाई होती थी नहर से, आज 40 लाख हेक्टर से ज़्यादा सिंचाई है। और आपको ये भी मैं बता दूं मेरे लोकसभा क्षेत्र में दतिया लगभग 100% सिंचित हो चुका, मध्य प्रदेश का सबसे ज्यादा सिंचित जिला दतिया है। हमें क्रॉप पैटर्न चेंज करना चाहिए, पानी आ गया है तो हम हॉर्टिकल्चर की तरफ पढ़ना चाहिए क्योंकि हॉर्टिकल्चर के जरिए ही किसानों में समृद्धि आ सकती है, दूसरे उत्पादन में ज्यादा फायदा नहीं। हॉर्टिकल्चर की तरफ आएंगे क्योंकि पानी की उपलब्धता हो चुकी है तो इससे कई उसके लाभ होने वाले हैं। आदर्श ग्राम योजना जी, अब आपकी तो सरकार भी हो गई जी, जीबी की सरकार भी हो गई, उसको आदर्श स्ट्रीट में सुनने में आता है स्ट्रीट बदल दिया जाता है, इसलिए हम आदर्श ग्राम योजना सांसद को बदल दिया और जगह बहुत से लोगों से इसको बयान किया। सरकार आप कहाँ तक सफल हुए आदर्श ग्राम? ये प्रधानमंत्री का एक बड़ा ही अनूठा कार्यक्रम है कि सांसदों को ये जिम्मेदारी दी कि वो समन्वय करें, हर विभाग की योजनाओं को एक गांव में क्रियान्वित करें, इसके लिए अलग से फंड की व्यवस्था नहीं पर फिर भी समन्वय करके व्यवस्था की जाए, हर विभाग अपनी अपनी योजनाएं लेता है तो बहुत बड़ा काम हो सकता है। मैंने नयगांव क्षेत्र का सोनी गांव आदर्श ग्राम लिया, वहाँ पर 15 लाख की लागत से समुदाय भवन है और मिडिल स्कूल था वो हाई स्कूल में परिवर्तित किया जा चुका है, सारी सड़कें पक्की हो गई हैं, पेयजल की टंकी बनाई जा रही है, पानी की व्यवस्थाएं हो रही हैं, ग्रामवासियों की कृषि समितियां बनाई हैं क्योंकि वो रेलवे स्टेशन से लगा हुआ क्षेत्र है, यहाँ फूलों की खेती सब्जी की खेती ज़्यादा करें तो व्यापार एकदम उनका ट्रांसपोर्ट हो सकता है सामान, तो इस तरह कई व्यवस्थाएँ हुई हैं और हर विभाग उसमें योजना है। इसके साथ मैंने अन्य गांव भी लिए हैं, दतिया जिले का उनाव सूर्य मंदिर के लिए बहुत प्रसिद्ध है, उस उनाव धार्मिक स्थल को भी हमने विकास के लिए, वहां सामुदायिक भवन बड़ा बन रहा है 25 लाख की लागत से,
तो वो होगा, और बिजली की व्यवस्थाएं सुधारी आ रही हैं, उसमें जो पहुज नदी बहती है सूर्य मंदिर, तो वहाँ स्नान करने के लिए लोग बहुत जाते हैं, पानी बहुत कम रह जाता है। आगे एक डैम बन चुका है, एक डैम हम और बनाना है, उसमें पर्याप्त पानी रहना चाहिए, तो उसमें बोटिंग हो, विदेशी सैलानी आए वहाँ बोटिंग कर सकते हैं, और वहाँ उद्योग धंधे लगाने के लिए, क्षेत्रीय विकास के लिए, युवाओं के खेल के लिए मैदान, इस तरह की व्यवस्थाएं हमने वहाँ योजनाबद्ध तरीके से क्रियान्वित की जा रही हैं। एक और दतिया जिले का गांव है बसई, बसई ग्राम बहुत दूर पड़ता है बीना से आगे, तो उसको भी हमने आदर्श ग्राम के लिए चुना है, और हमारे माननीय मंत्री नरोत्तम मिश्रा जी वहीं के विधायक हैं, तो उनके प्रयास से कई वहाँ हॉस्पिटल, मंडी, कई और बड़े बड़े काम वहाँ पर लिए गए हैं, और एक नगर की तरह से बसई को विकसित किया जा रहा है। तो इसी तरह भिंड का भी रुनाटा गांव बड़ा गांव है, वहाँ भी विकास कार्य के लिए इस तरह आदर्श गाँव को मैंने एक गांव तरह चार गांव में केंद्रित किया है, और उसमें विकास किए जा रहे हैं, वो ऐसे गांव विकसित हो जाएं कि अन्य गाँव भी अनुकरणीय बने। हाँ, और मैं कहना चाहता हूँ कि भारत सरकार ने, माननीय प्रधानमंत्री जी ने, और विशेष रूप से शिवराज सिंह या किसान हितैषी कई अभियान, अभी चूंकि आंदोलन अभी हो रहा है, वो कुछ मंदसौरी घटनाओं को लेकर के जो मृत प्राय विपक्षी दल थे वो जागरूक हो चुके, परंतु उनकी जागरूकता सात्विक नहीं, राजनीति से प्रेरित होने के कारण मीडिया ने उनको उस तरीके से दिखाया, तो मीडिया ने रिपीट रिवर्स करके दिखा, तो उनको कामयाबी ज़्यादा नहीं मिली, क्योंकि शिवराज सिंह ने जिस तरह से 0% ब्याज पर ऋण देने की व्यवस्था की, उससे किसानों को बड़ा लाभ हुआ, और यहाँ तक मूलधन भी क्रॉप लोन के लिए 1 साल के लिए दिया जाता है, 1 लाख रुपए ले जाइए और 90,000 ही आपको वापस कर, मूलधन में 10,000 रुपए की छूट, इस तरह की अद्भुत योजना विश्व में शायद ही कहीं हो, तो मूलधन में छूट दे करके, और जहाँ भी ओला और बरसात से जो नुकसान हुए तुरंत सहायता दी गई, और आपको आश्चर्य होगा कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, इसका मिटर में अप्रैजल में लोगों ने खेती बो दी थी और एकदम पानी ज्यादा गिरने से उजड़ गई, तो मिटर में अप्रैजल करके हमने किसानों को योजना तैयार की, उनके नुकसान की, और इंश्योरेंस कंपनी से, राज्य सरकार, भारत सरकार से संपर्क किया, तो लगभग मिटर्म अप्रैजल में प्रथम किस्त के रूप में 40 करोड़ रुपया किसानों को बांटा गया, संभवतः पूरे भारत में प्रधानमंत्री फसल योजना का ये प्रथम प्रकरण है, सबसे पहले हमने लागू कर दिया पूरे नवंबर में पिछले साल, मध्य प्रदेश दतिया में, दतिया जिला जो मेरा क्षेत्र लोकसभा क्षेत्र है, उसमें सबसे पहले प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ किसानों को दिया गया, और हजारों किसानों को लगभग 40 करोड़ रुपए का वितरण कर दिया, तो इस तरह से योजनाओं के अमल में बड़ा सक्रियता है। उज्ज्वला योजना में गरीब वर्ग की महिलाओं को लार्ज स्केल पर दतिया में, भिंड में गैस चूल्हे दिए गए, गैस सिलेंडर दिए गए हैं, उससे बड़ा हर्ष व्याप्त है, गरीब वर्ग के लिए ये सुविधा 3600 रुपये की सुविधा उनके महिलाओं के चेहरे को खुशी लाने, स्वच्छता रहती है उसमें और जल्दी रहती है, बच्चे को दूध गर्म करना है 1-2 मिनट में गर्म हो जाता है, चूल्हा फूकते फूकते जो परेशान थे तो उसका बड़ा शानदार ढंग से इसमें कामयाबी मिल गई। हाँ, तो उसका लाभ भिंड दतिया क्षेत्र में बहुत अच्छे ढंग से मिला है, और युवाओं को रोजगार के लिए मुद्रा योजना में भी बड़े पैमाने पर ऋण वितरण किया गया, और पुराने ऐतिहासिक स्थलों को भी संरक्षण के लिए पूरे भारतीय इतिहास का सबसे पुराना दस्तावेज एक गुजर्रा जगह भाडेर में आता है, जहाँ सम्राट अशोक का इंस्क्रिप्शन है, उसके विकास की भी हम योजना बना रहे हैं, 2300 साल पुराना भारतीय इतिहास का लगभग सबसे पुराना दस्तावेज
क्योंकि इतिहास श्रुतियों में तो बहुत घटना है, पर जो स्वर्ण दस्तावेज वहाँ सम्राट से उपहार हो पाए। इसी तरह से जैसे आपको मालूम है कि भिंड की इस तरह की इमेज है कि यहाँ डकैतों का क्षेत्र, अपराधियों का क्षेत्र, अभी भी लोग डरते हैं, उधर से गुजरते हुए डरते हैं। नहीं, आप उनको भय बिल्कुल मुक्त हो जाना चाहिए। मैंने उस इतिहास को उजागर किया है, चंबल गौरव पदयात्रा निकाली, एक स्वर्णमय इतिहास भिंड से गुजरा था, झांसी की रानी की इस अभियान में अंग्रेजों भगाने के लिए, तो जालौन जिले में गोपालपुरा थी भिंड से लगा हुआ, वहाँ निर्णय लिया गया कि अंग्रेजों को भगाने के लिए ग्वालियर को कब्जा किया गया। झांसी की रानी को न हथियार थे न सेना थी कुछ, तो भिंड के लोगों ने कहा हम सेना देंगे, हम हथियार देंगे और हम जी जान से आपके साथ लड़ेंगे। लगभग 1,00,000 लोगों ने गोपालपुरा से मिहोना, मिहोना से अमायन, अमायन से देहगांव, सुपौली, बड़ा गांव, मुरार तक, मुरार में संघर्ष होता है और झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की विजय होती है। विजय होते ही पूरे विश्व में हल्ला मच गया, ग्वालियर पर कब्जा कर लिया था, 18 दिन कब्जा था। तो अंग्रेजों ने बहुत सेना इकट्ठी करके फिर संघर्ष हुआ और झांसी की रानी 1858 में 18 जून को शहीद हुई, 1 जून को कब्जा कर लिया। इतिहास मालूम नहीं तो हमने चंबल गौरव पदयात्रा ग्वालियर, गोपालपुरा से ग्वालियर 100 किलोमीटर की पदयात्रा निकाली, कई युवाओं ने भाग लिया और बड़े पैमाने में जनता ने भाग लिया, जगह जगह स्वागत हुए, सभाएं हुई। अभी 26 मई से 1 जून तक इसी वर्ष में, तो उसका मैसेज दिया, इसमें कई लोग काले पाने की भेजे गए, बाद में दमन चक्र चलाया, फांसी पे लटकाए गए, गांव के गांव जला दिए गए और लोगों को जुर्माने लगाए गए, उनकी प्रॉपर्टी जब्त कर ली गई। इस तरह का आतंक भिंड के लोगों ने झेला था, पर फिर भी झांसी के रानी के साथ देते हुए बहुत लोग मारे गए। इनके थान बने हुए हैं, उनको आज लोग पूछते हैं, पर उनकी जानकारी ब्रिटिश रिकॉर्ड से मिल रही है। तो एक स्वर्ण इतिहास यहाँ से लिखा था, वीर और बलिदानियों का ये क्षेत्र है, ये अब लोगों के ये इतिहास आगे आ रहा है, हाँ दिखेगा और उनके अंदर गौरव महसूस होगा इतिहास में उन्होंने अच्छा काम किया है। अब ये मौका है कि इतिहास में अच्छा किया, वर्तमान आधुनिक विकास के क्षेत्र में हमारे युवाओं को आधुनिक विकास में भी सबसे आगे रहने के आना होगा और निश्चित रूप से हम कामयाब होंगे। और भिंड और चंबल क्षेत्र पूरा दतिया, मैं समझता हूँ कुछ ही दिनों में पूरे भारत का सबसे समृद्ध इलाका होगा, सबसे गौरवशाली इलाका होगा। यही करते हैं आप जैसे माननीय सांसद अगर होंगे और काम करने वाला जी सांसद होगा, जरूर होगा। धन्यवाद जी पंड्या जी, बहुत बहुत धन्यवाद।